दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई जाने माने अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं और कुछ ऐसे बॉलीवुड कलाकार हैं जो पति पत्नी हैं और उन्होंने सरोगेसी के जरिए माता पिता बनने का विचार बनाया। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे बॉलीवुड कलाकार भी हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की लेकिन फिर भी वो सरोगेसी और IVF के जरिए माता पिता बने हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो के जरिए जानते हैं बॉलीवुड से जुड़े उन्हीं सेलिब्रिटीज, उन्हीं कलाकारों के बारे में जिन्होंने IVF और सरोगेसी के जरिए माँ बनने का और पिता बनने का रास्ता चुना। अगर आप भी जानना चाहते हैं बॉलीवुड कलाकारों के बारे में तो हमारी इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नंबर वन पर दोस्तों बात करते हैं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी की बेटी समाईशा का जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ। जब शिल्पा शेट्टी ने सबको ये खबर सोशल मीडिया के जरिए दी तो सब लोग सुनकर काफी हैरान थे। इसके बाद शिल्पा शेट्टी ने एक खुलासा किया कि वो इस बार सरोगेसी के जरिए माँ बनी है। दरअसल शिल्पा शेट्टी कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से उन्होंने सरोगेसी और IVF का सहारा लिया। नंबर दो पर दोस्तों बात करते हैं प्रीति जिंटा और उनके हस्बैंड ड्वेन गुड इनफ की, जिन्होंने 2016 में एक दूसरे से शादी की। 5 साल तक दोनों ने बेबी प्लानिंग नहीं की। इसके बाद जब दोनों ने बेबी प्लानिंग की तो किसी वजह से प्रीति जिंटा माँ नहीं बन पा रही थी, जिसके बाद उन्होंने सरोगेसी और IVF के जरिए माँ बनने का विचार बनाया। वो आपको बता दें कि हाल ही में प्रीति जिंटा दो जुड़वा बच्चों की माँ बनी है, जिनका नाम उन्होंने जय और जिया रखा है। नंबर तीन पर दोस्तों बात करते हैं शाहरुख खान और गौरी खान की। शाहरुख खान और गौरी खान ने भी अपने तीसरे बच्चे की प्लानिंग 40 साल की उम्र में की थी। आपको बता दें कि जब नॉर्मल तरीके से गौरी खान माँ नहीं बन पा रही थी, इसके बाद ही शाहरुख और गौरी ने IVF के जरिए माता पिता बनने का विचार बनाया और साल 2013 में उन्होंने बेटे अब्राहम को जन्म दिया। आपको बता दें कि अब्राहम सरोगेसी के जरिए आए हैं। नंबर चार पर दोस्तों बात करते हैं आमिर खान और किरण राव की। आमिर खान और उनकी दूसरी पत्नी किरण राव ने जब बच्चे को जन्म देने का फैसला किया तो उन्होंने भी IVF सरोगेसी का रास्ता चुना था। आपको बता दें कि शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री में आमिर खान और किरण राव ही वो पहले कपल रही हैं जिन्होंने सरोगेसी के जरिए माता पिता बनने का विचार बनाया। आपको बता दें कि 5 दिसंबर साल 2011 में किरण राव माँ बनी थी, उन्होंने बेटे आजाद को जन्म दिया था। नंबर पाँच पर बात करते हैं फराह खान और सिरिश कुंदर की। बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर और डायरेक्टर फराह खान और उनके पति सिरिश कुंदर उन सेलिब्रिटीज में से एक हैं जो IVF के जरिए बच्चों के माता पिता बने हैं। शादी के 2 साल तक फराह ने नॉर्मल तरीके से बच्चों के लिए कोशिश की लेकिन उन्हें नाकामी हासिल हुई। इसके बाद उन्होंने IVF के जरिए माँ बनने का रास्ता चुना। वह साल 2018 में फराह 43 साल की उम्र में 3 बच्चों की माँ बनी है। नंबर छह पर दोस्तों बात करते हैं करण जौहर की। फिल्म निर्माता और निर्देशक करण जौहर अभी तक शादीशुदा नहीं है। उन्होंने शादी करने का शायद विचार भी अपने मन से निकाल दिया है, लेकिन आपको बता दें कि करण जौहर ने उस वक्त सबको चौंका दिया जब वो IVF सरोगेसी के जरिए बच्चों के पिता बने। करण अपने सेक्स लाइफ से जुड़ी कई बातें खुलकर करते हैं और तब उन्होंने IVF सरोगेसी के जरिए पिता बनने का ऐलान भी किया था। आपको बता दें कि करण सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों यश और रूही के पिता बने हैं। नंबर सात पर दोस्तों बात करते हैं तुषार कपूर और एकता कपूर की। जून 2016 में तुषार कपूर सिंगल पेरेंट बनने की खबर ने सबको चौंका दिया था। अनमैरिड तुषार कपूर ने अपने बेटे का नाम लक्ष्य रखा है, तो वहीं उनकी बहन एकता कपूर ने भी अनमैरिड ही माँ बनने का फैसला कर लिया था। नंबर आठ पर दोस्तों बात करते हैं सनी लियोनी और डेनियल वेबर की। बेबी डॉल के नाम से पॉपुलर अभिनेत्री सनी लियोनी ने यूं तो पहले ही एक बेटी निशा को गोद ले रखा था, लेकिन जब सनी लियोनी खुद माँ बनना चाहती थी उस वक्त वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पा रही थी और एक्ट्रेस ने सरोगेसी के जरिए माँ बनने का विचार बनाया। वो आपको बता दें कि सरोगेसी के जरिए साल 2017 में वो दो जुड़वा बच्चों के माता पिता बने, अशर सिंह वेबर और दूसरे का नाम है नौ सिंह वेबर। वेल दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में जानकर कैसा लगा और IVF और सरोगेसी के जरिए माता पिता बनने वाले इस फैसले पर आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।